तो दोस्तों फाइनली आईपीएल 2021 का इंतजार हुआ खत्म। आज हम सभी को देखने को मिलेगा आईपीएल 2021 दूसरे भाग का पहला मुकाबला जो कि मुंबई और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आरसीबी की टॉप अपडेट्स बताने वाला हूं। और आरसीबी कैंप से आज तीन बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहली अपडेट जुड़ी है ऑलराउंडर जॉर्ज गार्टन को लेकर, और दूसरी अपडेट दोस्तों यहां पे नंबर 3 पे आरसीबी की टीम के लिए कौन सा खिलाड़ी बल्लेबाजी करता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर एक बड़ी अपडेट है। साथ में विराट कोहली का बहुत ही बड़ा बयान है। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर दोस्तों आप भी हो टीम आरसीबी के फैन और चाहते हो कि ऐसे आप सभी को आरसीबी के ऊपर वीडियोस मिलते रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को दबाए ताकि आप सभी को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा माई लेवल सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। अगर दोस्तों आप लोग इस ऐप को मेरे दिए गए हुए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको अभी मिलेंगे ₹1500 वेलकम बोनस। साथ में दोस्तों आपके पहले डिपॉजिट पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, जिसके बाद दोस्तों आप इस ऐप में ढेर सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। आईपीएल 2021 के दौरान दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो और फर्स्ट प्राइज जीतते हो तो आपको ₹5 करोड़ तक फर्स्ट प्राइज मिल सकता है। आपको सिर्फ डाउनलोड करते ही अपनी 11 खिलाड़ी की टीम बनानी है और बहुत से कॉन्टेस्ट है जिनमें से आप किसी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें दोस्तों आप लोग लीजेंड्स प्लेयर्स जैसे कि सौरभ गांगुली, राशिद खान, शेन वॉटसन जैसे प्लेयर्स के साथ में हेड टू हेड खेल सकते हो। अगर आपकी टीम ने उनकी टीम को बीट किया तो आपको मिलेगा 5 गुना ज्यादा कैश। तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग दोस्तों जल्दी से डाउनलोड करिए। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम आरसीबी की पहली बड़ी अपडेट की जो कि निकल के आई है आरसीबी के ऑलराउंडर जॉर्ज गार्टन को लेकर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है जॉर्ज गार्टन अभी T20 ब्लास्ट में कल तक हम सभी को खेलते हुए नजर आ रहे थे और कल दोस्तों उन्होंने अपना T20 ब्लास्ट का सेमीफाइनल मुकाबला खेला। गेंदबाजी में दोस्तों कल जॉर्ज गार्टन ने 4 ओवर में 24 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। और T20 में दोस्तों 4 ओवर में 24 रन देना ये दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज माना जाता है जो कि दोस्तों जॉर्ज गार्टन ने यहाँ पे सेमीफाइनल मुकाबले में करके दिखाया। और दोस्तों इतना ही नहीं, इन्होंने बल्ले के साथ भी 30 गेंदों पर 41 रन की शानदार पारी खेली और अपना दोस्तों ऑलराउंड परफॉर्मेंस सेमीफाइनल जैसे बड़े स्टेज पे दिखाया। तो आरसीबी की टीम का दोस्तों ये खिलाड़ी फॉर्म में, हमें ये तो पता चल चुका है। अब दोस्तों बात करें कि यू अराइविंग डेट की, तो कल दोस्तों इनकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला हार गई है जिसके बाद दोस्तों ये आज यानी कि 19 तारीख को यूए के लिए रवाना होने वाले हैं, जिसके बाद ये आरसीबी के कैंप को ज्वाइन करेंगे। हालांकि दोस्तों ये इनिशियल मैचेस में आरसीबी की टीम के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन दोस्तों ये अब आज आरसीबी की टीम के लिए यूए के लिए रवाना होने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पे टीम आरसीबी की दूसरी बड़ी अपडेट की, तो ये निकल के आ रही है कि नंबर 3 पे आरसीबी की टीम के लिए कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे बल्लेबाजी करता हुआ दिखने वाला है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे आईपीएल 2021 फेस 1 की, जहाँ पे हम सभी को रजत पाटीदार नंबर 3 पे खेलते हुए दिखे थे और कोई बड़ी पारी इनके बल्ले से हम सभी को नहीं दिखी। हालांकि दोस्तों उन्होंने इतना भी खराब परफॉर्मेंस नहीं किया, मतलब इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे नंबर 3 के लिए, तो आरसीबी की टीम के पास मोहम्मद अजहरुद्दीन और रजत पाटीदार है, लेकिन दोस्तों एक और खिलाड़ी है केएस भारत। आरसीबी की टीम के 2 दिन पहले विंटर स्क्वाड मुकाबले में केएस भारत ने 47 गेंद पर 95 रन की पारी खेली जिसमें दोस्तों इनका स्ट्राइक रेट 202 का रहा था। और दोस्तों एबी डिविलियर्स के बाद ये आरसीबी की टीम से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इस मुकाबले में खिलाड़ी बने थे। तो दोस्तों केएस भारत ने यहाँ पे साबित किया कि वो आरसीबी की टीम के लिए नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं और इसीलिए दोस्तों हम सभी को केकेआर के खिलाफ केएस भारत यहाँ पर नजर आ सकते हैं आरसीबी की टीम के लिए नंबर 3 पे खेलते हुए। दोस्तों आपको क्या लगता है, किसको आरसीबी की टीम को देना चाहिए मौका, रजत पाटीदार, मोहम्मद अजहरुद्दीन या केएस भारत? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पे अगली बड़ी अपडेट की, तो विराट कोहली को लेकर आ रही है। तो विराट कोहली का दोस्तों एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है। क्वारंटीन से बाहर आने के बाद विराट कोहली ने वनिंदो असरंगा और दुष्मंता चमेरा को लेकर बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों को ऐसे कंडीशंस में खेलने की आदत है क्योंकि हमेशा से श्रीलंका में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं और दोस्तों यूए की पिचेस इनके लिए काफी फ्रेंडली होने वाली है। साथ में विराट कोहली ने बताया कि आरसीबी की टीम ने जिन खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है वो सभी खिलाड़ी अभी फॉर्म में चल रहे हैं। बात करें टिम डेविड की, वनिंदो असरंगा की और जॉर्ज गार्टन की, तो सभी खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पे एक से बढ़कर एक है और आरसीबी की टीम के लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। तो ये थी दोस्तों टीम आरसीबी की आज की 3 बहुत ही बड़ी अपडेट्स। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करिए और केकेआर और आरसीबी के बीच होने वाले मुकाबले के लिए आप लोग प्लेइंग 11 बनाना शुरू करिए, जहां पर आपको डाउनलोड करते हैं ₹1500 फ्री में मिलेंगे। तो लिंक दोस्तों आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।